बुरहानपुर जिले के नेपानगर में लकड़ी तस्करी का खेल जारी है। लकड़ी माफिया पुरानी अनुमति के आड़ में लकड़ी काटने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर वन परिक्षेत्र कार्यालय नेपानगर के डिपो में जलाऊ लकड़ी नहीं होने से अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहाँ नेपानगर के तहसील रोड पर खेत में लगे बबूल के हरे भरे छायादार पेड़ को निशाना बनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक आरा मशीन से लकड़ी माफिया ने काटकर जमींदोज कर दिया और भीलट बाबा वन मार्ग से सूर्य अस्त के बाद कटे हुए पेड़ को तिरपाल से ढककर ले जाया जा रहा था। तभी अचानक नगर के पत्रकारों की नजर वाहन पर पड़ी तो पत्रकारों ने मामले की सूचना पर वन विभाग को दी। इसके बाद वन विभाग के रेंजर मयक पांडे पूरी टीम के साथ मौका मुआयना करने पहुंचे और लकड़ियों से भरे वाहन को जब्त कर वन विभाग के कार्यालय में लाया गया। नगर में सीता नाली के पास एक जो पुलिया है, जो भीड़ रोड वाली पुलिया है, वहाँ पे ये लकड़ी काट के ट्रैक्टर से परिवहन करने की सूचना मुझे पत्रकारों द्वारा मिली थी। मौके पे हमने स्टाफ भेजा और मैं खुद भी वहाँ पे पहुँचा। इसमें बबूल की लकड़ी पाई गई, जिस पे किसी प्रकार का चिन्ह नहीं था और किसी भी प्रकार की नंबरिंग नहीं थी। जो पत्रकार जिन्होंने मुझे सूचना दी, उन्होंने मौका स्थल पर मुझे बताया भी कि लकड़ी कहाँ से काटी गई है। मैंने उस जगह का निरीक्षण किया। उसके बाद उस ट्रैक्टर को हमने अपने ऑफिस में ले आए हैं, वहाँ पर पूछताछ चल रही है। जो ट्रैक्टर का जो मालिक है, उन्होंने एक पुरानी परमिशन दिखाई है तहसीलदार से कि यहाँ पे रोड का निर्माण चल रहा था, उसके एवज में कुछ लकड़ियाँ थी, ये वही लकड़ी कट रही, तो उसी की जाँच चल रही है। उसके संबंध में मैंने तहसीलदार साहब से भी बात करी है, तो उनसे भी मांगा है कि अभी वो जो परमिशन है उसमें कितने पेड़ कटे हैं और कितने पेड़ बचे हैं, तो उसकी जाँच चल रही है।